अब जब हम खुद को कोविड-19 से बचाने और उससे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फंगस से पैदा होने वाला एक और खतरा सामने आया है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए एवं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। म्यूकोमार्कोसिस एक फंगल संक्रमण है जो कि कुछ कोविड-19 मरीजों में बीमारी से ठीक होने के दौरान या बाद में पाया जा रहा है। कोरोना को हराने के 14 से 15 दिन बाद ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि कुछ मरीजों में पॉजिटिव होने के दौरान भी ये पाया गया है। ये बीमारी सिर्फ उन्हें ही होती है जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। देश के 11 राज्यों गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में ये फैल चुका है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण और सावधानियां। म्यूकोमाइकोसिस कैसा होता है? म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस फंगल संक्रमण से पैदा होने वाली जटिलता है। लोग वातावरण में मौजूद फंगस की बीजाणुओं के संपर्क में आने से म्यूकोमाइकोसिस की चपेट में आते हैं। शरीर पर किसी तरह की चोट, जलने, कटने और आदि के जरिए ये त्वचा में प्रवेश करता है और त्वचा में विकसित हो सकता है। कोविड-19 से उबर चुके हैं या ठीक हो रहे मरीजों में इस बीमारी के होने का पता चल रहा है। इसके अलावा जिसे भी मधुमेह और जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, उसे इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए एक परामर्श के अनुसार कोविड-19 रोगियों में निम्नलिखित दशाओं में से म्यूकोमाइकोसिस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अनियंत्रित मधुमेह, एस्टेरॉइड के उपयोग के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, लंबे समय तक ICU अस्पताल में रहना, सहरुग्णता, अंग प्रत्यारोपण के बाद कैंसर, वरिकोनाजोल थेरेपी गंभीर फंगल संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सामान्य लक्षण क्या हैं? हमारे माथे, नाक, गाल की हड्डियों के पीछे और आंखों पर दांतों के बीच स्थित एयर पॉकेट में त्वचा के संक्रमण के रूप में म्यूकोमाइकोसिस दिखने लगता है। ये फिर आंखों, फेफड़ों में फैल जाता है और फिर मस्तिष्क तक भी फैल सकता है। इससे नाक पर कालापन या रंग मलिन पड़ना, धुंधला या दोहरी दृष्टि, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई और खून की खांसी होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि आंखों में लालपन या सिर में दर्द, बुखार, खांसी, सिरदर्द, सांस में तकलीफ, साफ साफ दिखाई न देना, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। म्यूकोमाइकोसिस को कैसे रोकें? मधुमेह को नियंत्रित करना ICMR द्वारा सुझाए गए सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, इसलिए मधुमेह से पीड़ित कोविड-19 रोगियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने आप दवा लेने एवं एस्टेरॉइड की अधिक खुराक लेना घातक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।